हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैंने माउंट ब्रोमो का एक्सप्लोर किया था। इस वीडियो में मैं आपको अपनी माउंट ब्रोमो से बाली तक की जर्नी के बारे में बताऊंगा। जो कैटापांग है इसके बगल में ही पोर्ट भी है जहाँ से मुझे बाली आइलैंड जाने के लिए वो फेरी मिल जाएगा। बस का प्राइस है वैसे 50,000 आइडिया जो कि 250 रुपये के आसपास आता है, बट ये लोग बोलेंगे 100,000। तो वही उबंग बस चलने से ही बस मिली है एंड इसका प्राइस है 20 रुपये। तो अभी मैं अपने हॉस्टल से निकल गया था, अभी मैं जा रहा था प्रोबो लिंगो जो कि यहाँ से अराउंड 1 घंटे के डिस्टेंस पे है। तो वहाँ से मेरी शाम की ट्रेन है बानू वांगिंग के लिए। अभी बारिश स्टार्ट हो गई है तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ बारिश रुकने का। वैसे मेरे पास टाइम है, अभी अराउंड 3 घंटे का टाइम है और 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा। वैसे 1 घंटे मतलब मैंने 20 मिनट का रास्ता कर ही दिया है कवर, तो अभी 40 मिनट का डिस्टेंस बचा है और अब देखता हूँ। अगर बारिश नहीं रुकता 1.5 घंटे में के तो मेरे पास रेनकोट है, बस बेसिक सा रेनकोट है। मतलब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि बैग ठीक से कवर नहीं हो पाएगा। तो मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ ट्रेन स्टेशन, यहाँ से 2 किलोमीटर बचा है। एंड मैंने जब मैं यहाँ से इसे मतलब जब बाइक लिया था मैंने रेंट पे, तब उसमें पेट्रोल 1 लाख था एंड मैंने 30,000 रुपये का भराया था, 30,000 मतलब इंडोनेशियन रुपये। एंड अभी मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ, अभी भी उसमें 3 लाइन बाकी है। सो ये है इंडोनेशियन स्टाइल बिरयानी, चिकन बिरयानी इंडोनेशियन स्टाइल। और ये बिरयानी लंच करने के बाद मैं ट्रेन स्टेशन आ गया हूँ। तो पिछली बार भी मेरा सेम बोगी था, वो सीक्वेंस में स्टार्टिंग में था, इस बार पीछे की तरफ है। बट हाँ, अभी 10-12 मिनट बाद स्टार्ट होगी, टाइम है मेरे पास अभी। सो अभी प्रोबो लिंगो से बनी वांगे की जो टिकट है मुझे अराउंड 520 रुपये मिल गई थी एंड 4-5 घंटे की जर्नी है। एंड अभी शाम की ट्रेन ली है 4 बजे की, मैं अराउंड 8 बजे तक पहुँच जाऊँगा। मैं आज नहीं निकलूँगा बाली के लिए निकल सकता था, मतलब वहाँ पर पास में ही बोट जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से 40-50 मिनट की बोट की जर्नी है, 24/7 चलता है। फिर वहाँ से बाली, फिर मतलब वहाँ से मेन बाली टाउन के लिए या दंतेसर के लिए बस मिल जाती है। बट वही है कि मैं रात को बहुत लेट पहुँचूँगा, फिर ऐसे ना 2-3 बजे करीब, फिर वहाँ पर हॉस्टल वगैरह में चेक इन करने में इशू रहेगा। तो इसलिए मैं सोचा कि बन्नी वंगी में ही मैं रुक जाऊँगा रात को एंड मॉर्निंग में निकल जाऊँगा। पूरे रास्ते में ऐसे राइस फील्ड्स हैं जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। मेरा स्टेशन आने वाला है एंड यहाँ पर लोगों ने बोला कि थोड़ा आगे चलाओ, आगे जाने से ट्रेन का स्टेशन से एग्जिट पास में ही है। मैं कैटापांग स्टेशन आ गया, फिर मैंने बन्नी वांगी का ट्रेन बुक किया था क्योंकि मुझे आइजन जाना था। यहाँ से बस 14 किलोमीटर पहले ही आता है वो स्टेशन बन्नी वांगी कैटापांग से, बट मैंने आइजन जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। एंड फिर मैंने देखा कि जो कैटापांग है इसके बगल में ही पोर्ट भी है जहाँ से मुझे बाली आइलैंड जाने के लिए वो फेरी मिल जाएगा। एंड उसके अलावा जब मैंने यहाँ हॉस्टल जब बुक किया था बिल्कुल पास में ही है यहाँ से, मेरा हॉस्टल भी यहीं पर ही है और कल मैं से वॉक करके चला जाऊँगा पोर्ट में, तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। कि मैं टिकट वैसे बन्नी वांगी का ही बुक किया था बट उसका नेक्स्ट स्टेशन ही था कैटापांग और 14 किलोमीटर ही था, बस मैं इधर ही आ गया। स्टेशन के बिल्कुल बाहर ही हॉस्टल है, बिल्कुल मतलब 50 मीटर भी नहीं होगा एंड यहाँ पर पोर्ट भी है, तो काफ़ी कन्वीनियंट हो गया है। हॉस्टल तो अच्छा है काफ़ी एंड सबसे अच्छी बात यह है कि काफ़ी कन्वीनियंटली लोकेटेड है ये स्टेशन से 50 मीटर और पोर्ट से भी मतलब 100 मीटर होगा मुश्किल से, 100 से 200 मीटर।
हॉस्टल में चेक इन करने के बाद मैं डिनर करने के लिए बाहर आ गया हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे वेज एंड नॉन वेज ऑप्शन हैं। तो ये है चिकन और ये एग का पकौड़ा एंड साग एंड राइस। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी मैं यहाँ से हॉस्टल से निकल गया एंड अभी मैं यहाँ से हार्बर पॉइंट जा रहा हूँ जो कि पास में ही है 100 मीटर, एंड वहाँ से फिर मैं फेरी लेके बाली आइलैंड पहुँचूँगा, फिर वहाँ से फिर बस लूँगा। मैंने बाहर से टिकट ले लिया, अभी पता चला कि ऑफिशियल टिकट काउंटर पोर्ट के अंदर में है। सो एक्चुअली स्टेशन के अंदर मैं टिकट लोगे तो 11,650 रुपये का पड़ेगा, मैंने बाहर से लिया तो उन्होंने 130 रुपये का फेरी टिकट लिया। अंदर टिकट काउंटर है जहाँ पर अराउंड 60-70 रुपये में मिल जाता है टिकट। तो यहाँ से अभी 40 मिनट की जर्नी है, और सामने ये दिख रहा होगा आपको ना वैसे बाली वाला आइलैंड, फिर वहाँ से पोर्ट में पहुँचने के बाद वहाँ से मुझे मिनी बस लेना है। तो ये बोट से हर 20-20 मिनट में चलती रहती है, तो टिकट में जैसे कोई ऐसा नहीं कि इन्होंने किसी पर्टिकुलर बोट का कर रखा है, ये मतलब वैलिड रहता है। जैसे इसमें लिखा हुआ 12 बजे तक वैलिड है, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, 3 घंटे के लिए वैलिड है। तो जो भी नेक्स्ट वाली बोट अवेलेबल है उसमें चढ़ जाओ। तो यहाँ पर एक बोट है, एक वहाँ पर है, तो इसमें नीचे अभी गाड़ी एंड व्हीकल लोड होता है एंड देन हर 20 मिनट्स में इनका डिपार्चर होता है। तो अभी मिल रहा है एक बार लोड जाएगा तो फिर 20 मिनट्स में डिपार्चर होगा। अंदर सीट्स ठीक है पर मैं बाहर आ गया हूँ, बाहर से व्यू अच्छा है, अंदर ओपन भी है। फाइनली बोट बाली वाले आइलैंड में पहुंचने वाली है। सो गिली मनुक बोट पहुंच गया हूँ एंड अभी बाहर निकल के मैं बस ढूंढता हूँ। यहाँ मिनी बसेस एंड बसेस चलती है बाली के लिए। डन प्रसार वैसे बाहर आते पीछे लोग पड़ जाएंगे कि भाई हम बस का वो ले जाते हैं, तो बाहर मतलब हम बस करवा लेते हैं। अब बस का प्राइस है वैसे 50,000 IDR जो कि 250 रुपये के आसपास जाता है, बट ये लोग बोलेंगे 100,000। ठीक है, तो ये कि अपना खुद ही आओ बाहर जाके और अपना बस बुक कर लो। छोटे बस वाले भी चला के करते हैं एंड वैसे 50,000 का टिकट होता है, बट मुझे बोल रहा है 1 लाख। तो मैंने बोला नहीं 50,000 का, फिर बोलता है ठीक है 60 दे दो। तो ये लोग भी चला के तो करता ही है। तो ये लोग भी चला के करते हैं, इससे अच्छा है कि ऑनलाइन बस बुक कर लो टिकट, सेम प्राइस में मिलेगा एंड एयर कंडीशन वाला एंड लॉन्ग टर्म वाला वो मिल जाता है, एयर कंडीशन बस मिल जाएगी, कंफर्टेबल हो जाता है एंड उसको पहले से प्री तो बुक करा सकते हो एंड वो भी 60,000 में ही मिल रहा है। तो फाइनली पहुंच गया हूँ बाली एंड यहाँ से मैं ग्रैब करके अपने हॉस्टल जाता हूँ। ये है राइस, चिकन, ये चटनी है, थोड़ा सा वेजिटेबल एंड ये लेमन आइस थी एंड ये पता नहीं क्या है। वही हाँ, उबंग बस टर्मिनल से ही ये बस मिली है एंड इसका प्राइस है 20 रुपये एंड ये मुझे मेरे हॉस्टल के पास से ही पहुँचा देगा। अच्छी बात है कि AC है एंड कार का मैं देख रहा था, कार का 400-500 रुपये देना पड़ता
एंड बाइक का सस्ता था अराउंड 150 रुपये, पर वही अनकम्फर्टेबल होकर जाना पड़ता एंड बस ठीक है। पूरे बाली में ऐसे हिंदू टेंपल टाइप के घर एंड टेंपल्स बने हुए हैं, वही जाके पहले मैं हॉस्टल में चेक इन कर लेता हूँ एंड देन उसके बाद थोड़ी देर शाम को घूमने निकलूँगा। हेलो, आई हैव बुकिंग जैन मोहंती। तो मैंने हॉस्टल में चेक इन कर लिया था। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। गुड बाय।